हेलो डी स्टूडेंट्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम सी क्यू टाइप क्वेश्चन क्लास टेन चैप्टर वन रियल नंबर्स सो इस बार जो सी बी एस ई की नई स्कीम के अकॉर्डिंगली जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो टर्म वन और टर्म टू में कंडक्ट किए जाएंगे जो टर्म वन है वो नवम्बर दिसंबर में होगी और उसमें आपके नाइन्टी मिनट्स में होंगे आपके एम सी क्यू टाइप क्वेश्चन और के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे ठीक है और सिलेबस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टी परसेंट आएगा सो टर्म टू में क्या होगा कि आपके के स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं लॉन्ग आंसर्स शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस हो सकते हैं और वो टू आवर्स का आपका एग्जाम होगा और अगर सिचुएशन वर्स हुई अगर आप स्कूल नहीं जा पाओगे कोविड uh, के कारण तो ये एग्जाम जो है टर्म टू का वो भी आपका एम टाइप ही होगा जिसमें के स्टडी एम सी होंगे और सिंपल एम टाइप क्वेश्चन होंगे नाइनटी मिनट्स के सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से सो रियल नंबर इज द चैप्टर एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपोनेंट ऑफ टू इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 फोर्टी फोर इज वॉट सो हमें यहां पे 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है सो so, 144 फोर्टी फोर इट इज गोइंग विद टू सेवन टूज ऑफ फोर्टीन सो इट इज थर्टी सिक्स फिर ये आ जाएगा आपका सेवन सॉरी एटीन आ जाएगा फिर आपका ये नाइन आ जाएगा एंड हेयर इट इज थ्री थ्री ज नाइन तो यहां पर पूछा गया कि एक्सपोन ऑफ टू तो टू की कितनी पावर आएगी वन टू थ्री फोर टू पावर फोर इज द करेक्ट आंसर हेयर सो ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज ट्वेल्व हंड्रेड विच इज द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एच सी एफ ओके सो so, दो नंबर्स का जो एल्सियम है वो ट्वेल्व है और एच इनमें से क्या नहीं हो सकता है सो so, आपको पता होना चाहिए कि दो नंबर्स का जो एल्सियम है वो एच का मल्टीपल होता है ठीक so, है सो देखते हैं कि ट्वेल्व uh, हंड्रेड किसका मल्टीपल नहीं है ठीक है सिक्स हंड्रेड का मल्टीपल है ट्वेल्व हंड्रेड फाइव हंड्रेड का नहीं है फोर हंड्रेड का तो है ये ट्वेल्व हंड्रेड मल्टीपल टू हंड्रेड का भी है सो फाइव हंड्रेड इज द करेक्ट आंसर क्योंकि एच जो है वो हमेशा एलसीएम का फैक्टर uh, होता है एच और एल्सियम एच का हमेशा मल्टीपल होता है तो 500 का ये मल्टीपल नहीं है इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो इसके एंड में कितनी जीरोज आएंगे देखो कितनी जीरो आती है इट डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ टू एंड फाइव ठीक है क्योंकि टेन होता है ना तो यहां पे देखिए टू और फाइव के कितने पेयर बनेंगे टू जो है वो थ्री टाइम्स है फाइव जो है यहां पे फोर टाइम्स है ठीक है तो मैक्सिमम पेयर तो तीन ही बने ना टू फाइव टू फाइव टू फाइव दैट इज टेन 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 तो थ्री जीरोज आएंगी एंड में बिकॉज इन दोनों में से हमें स्मॉलर पावर उठानी होती है तो थ्री जीरोज आएंगी एंड में नेक्स्ट क्वेश्चन द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज व्हाट हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है इसकी और जो भी एक्सपोनेंट्स आएंगे उनका सबको ऐड कर देना है तो देखते हैं कितना आंसर आता है सो इट इज गोइंग विद टू, सो 9 2 18 1 इज लेफ्ट 8 2 सो इट इज गोइंग विद 49 देन सेवन देन इट इज सेवन विद वन सो टू पावर टू हो गया और सेवन पावर भी टू हो गया टोटल एक्सपोनेंट बनकर टू प्लस टू फोर आ जाएगा आंसर इसका ठीक है नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर ट्वेंटी थ्री ओवर टू पावर टू इंटू फाइव विल टर्मिनेट इज सो इसका मतलब है कि जब हम ट्वेंटी थ्री ओवर टू पावर टू इंटू फाइव को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितने डेसिमल प्लेसेस बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा मीन्स इसके इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस आएंगी तो डी स्टूडेंट्स ये डिपेंड करता है टू और फाइव की पावर्स के ऊपर ठीक है so, सो टू और फाइव में जो हाइएस्ट पावर है दैट विल बी टेकन राइट टू पावर टू फाइव पावर वन सो so, हाइएस्ट कौन सी है टू पावर टू तो हमारा आंसर टू रहेगा सो so, आप इसको कैलकुलेट कैलकुलेटर uh, में भी कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हो देर विल बी टू प्लेसेस और हमने क्या करना होता है टू और फाइव में से जो हाइएस्ट पावर है दैट विल बी द आंसर राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एंड आर टू ऑड ऑड प्राइम प्राइम कौन से होते हैं लाइक थ्री फाइव सेवन दिस ऑल आर ऑड ऑनली वन प्राइम नंबर इज इवन दैट इज टू एक ही प्राइम नंबर इवन होता है बाकी सब प्राइम नंबर ऑड ही होते हैं तो हमें यहां पे पी वन और पी टू ऑड प्राइम नंबर्स दिए गए हैं और बोलता है पी वन इज ग्रेटर देन पी टू देन वट इज पी वन स्क्वेयर माइनस पी टू स्क्वेयर इज सो लेट्स चेक हम क्या करते हैं कोई दो नंबर उठा लेते हैं चलो फाइव और थ्री उठा लिए ठीक है तो इन दोनों के स्क्वेयर का डिफरेंस लेना है हमें तो फाइव स्क्वेयर ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री स्क्र नाइन तो ये आंसर आ गया सिक्सटीन चलो कहीं किसी और पे भी हम करते हैं इसको सॉल्व सेवन और फाइव ले लेते हैं तो सेवन स्क्वेयर माइनस फाइव स्क्वेयर कितना होता है फोर्टी नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव दैट इज ट्वेंटी फोर ये हमेशा इवन नंबर आ रहा है ना देखते हैं ऑप्शंस क्या है एंड इवन नंबर ऑड नंबर एंड ऑड प्राइम नंबर आ प्राइम नंबर सो इवन नंबर इज द करेक्ट आंसर यू कैन चेक बाई टेकिंग सम एग्जाम्पल ऑल्सो लाइक दिस वे नाउ द सेवंथ क्वेश्चन इज इफ टू पॉजिटिव इंटीज ए एंड बी आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ए इज पी क्यू स्क्वायर बी इज पी क्यू क्यू If we are p and q being prime numbers, then what is LCM? Okay, so always remember LCM के लिए हम क्या करते हैं हर नंबर की हर प्राइम नंबर की हाइएस्ट पावर उठाते हैं ठीक है तो पी की इन दोनों में हाइएस्ट पावर कितनी है पी पावर थ्री क्यू की हाइएस्ट पावर कितनी है क्यू पावर टू सो दिस इज एल सी पी क्यूब क्यू क्यू स्क्वायेर ये सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं एच निकालना होता तो हम इनकी मिनिमम पावर उठाते और वो भी कॉमन नंबर्स की लाइक like P और Q दोनों कॉमन है यहां पे तो P की मिनिमम है वन पावर Q की मिनिमम है वन तो पी क्यू विल बी एच सी एफ तो एलसीएम के लिए हमेशा याद रखो हमें एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर उठानी है हर प्राइम नंबर की तो पी पावर थ्री है और क्यू पावर टू है हाईएस्ट पावर नेक्स्ट इज व्हाट इज एचसीएफ दिस इज द सेम क्वेश्चन तो एच सी एफ मैंने आपको पहले ही बता दिया पी क्यू आएगा एच सी एफ के लिए यह सोच लो इन दोनों में कॉमन क्या है अगर आपको कॉमन लेना होता है पी क्यू और पी क्यू क्यू में तो इट विल बी पी क्यू ठीक है तो इस केस में हमें एच के लिए हमें मिनिमम पावर उठानी है बट कॉमन नंबर्स की तो पी क्यू पी क्यू दोनों में चलो कॉमन है तो मिनिमम पावर कितनी है पी क्यू भी वन है और क्यू क्यू भी वन है तो पी क्यू इज द एचसीएफ एंड द नाइन्थ क्वेश्चन इज इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स एम एंड एन आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म एम इज इकल टू पी क्यू क्यूब एन इज पी क्यूब क्यू स्क्वायर वेयर पी क्यू आर प्राइम नंबर्स एंड वट इज देयर एच सी एफ तो आई टोल्ड यू एच सी एफ विल बी सबकी सब कॉमन नंबर्स की आपने मिनिमम पावर उठानी है तो पी भी कॉमन है क्यू भी कॉमन है पी की मिनिमम है ओनली पी क्यू की मिनिमम है क्यू स्क्वायर तो पी क्यू स्क्वायर इज द आंसर बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर हेयर टेंथ क्वेश्चन इज इफ द एल्सियम ऑफ ए एंड 18 इज 36 सिक्स यहां पर बेटा ए और 18 दो नंबर दिए हैं इन दोनों का जो एल्सियम है A और 18 का एल्सियम जो है वो 36 है एंड एच जो है वो इनका टू है ठीक है तो हमें ए फाइंड करना वट इज ए हमारे पास एक फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एच ठीक है, दो नंबर है ए और एटीन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों के एल्सियम और एचसीप के प्रोडक्ट के बराबर होता है ये हमारे पास एक फॉर्मूला है ठीक है तो यहां से हम ए निकाल देंगे विल गो इन द डिनोमिनेटर सो टू वन टू नाइन 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 फोर सो ए की वैल्यू यहां पे फोर आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द एचसीएफ ऑफ नाइनटी एंड वन तो दैट यू कैन डू ऑल्सो इट इज़ वेरी इजी एच में हम लगाएंगे कॉन्टीन्यूड डिवीजन मैथड दिस इज कॉन्टिन्यूड डिवीजन बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड कर दो सो इट इज गोइंग विद नाइन्टी फाइव वन जा नाइन्टी फाइव वॉट इज लेफ्ट दिस इज फोर्टी सेवन सो यहाँ पे हम नाइन्टी फाइव ले आएंगे तो so जब तक हम करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर जीरो ना आए फोर्टी सेवन टू जा नाइन्टी फोर सो वन इज लेफ्ट सो फोर्टी सेवन वन फोर्टी सेवन ज फोर्टी सेवन सो इनका जो एच है वो वन आएगा ठीक है

ट्वेंटी सिक्स इंटू वन सिक्सटी नाइन ओवर थर्टीन वेलकम थर्टीन वन जर्टीन टू ज़ा सो नाइन टू जी एटीन थ्री थर्टी एट आ जाएगा जी ठीक है सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट हेयर सो डियर स्टूडेंट्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको अभी करें बिकॉज हम आपको ऐसे वीडियोज लाते रहेंगे आपकी तैयारी हम करवाएंगे ठीक है हम सारे चैप्टर्स के जो एम सी क्यू हैं वो हम वन बाई वन ले आएंगे सो so, अभी सब्सक्राइब करें थैंक यू सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज

अब थ्री की हाइएस्ट टू पावर होनी चाहिए यहां पर थ्री की हाइएस्ट वन है वन है तो टू होनी चाहिए इट मीन्स टू माइट बी हेयर ओनली टू यहां पर ही होगा तभी यहां पर टू लिया गया है हाइएस्ट पावर उठानी होती है ना तो पावर टू उठाई पर टू तो है नहीं यहां पर तो टू विल बी एन ओनली सो एन इज टू हेयर ठीक है तो नेक्स्ट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर दिस दिस इज रैशनल नंबर

फाइव सो so, ये बन गया टू पावर वन एंड फाइव पावर फोर ठीक है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई अब हम क्या करते हैं जो डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है उसमें हाईएस्ट पावर उठाते हैं टू और फाइव में से तो आप देख सकते हो टू और फाइव में से हाईएस्ट पावर किस किसकी है ये है फोर तो फोर इज द दंसर फोर इज आंसर आ जाएगा आपका ठीक है सो नेक्स्ट इज पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर एंड क्यू आर वॉट तो लेट्स टेक को प्राइम नंबर आपको पता है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ऐसे नंबर्स जिनका एच सी एफ वन हो मीन्स उनके बीच कोई कटिंग ना हो ये सोच लो उनके बीच कोई कटिंग नहीं जैसे फोर एंड फाइव है तो फोर और फाइव मैंने आपको बता दी में कटिंग है कोई नो कटिंग सो इनका एच सी एफ मतलब वन है इसलिए कोई कटिंग नहीं है इनके बीच तो जिनका एच सी एफ वन होता है वो को प्राइम नंबर होते हैं ठीक है तो मैं कोई दो को प्राइम नंबर उठा लेते हैं चलो फोर और फाइव भी उठा लिए तो इन इनके से निकाल लो फोर का सिक्सटीन फाइव का ट्वेंटी फाइव होता है तो बोलता है कि ये नंबर्स आपस में हाँ इनके बीच भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये भी को प्राइम ही है चेक कर लो कोई कॉमन फैक्टर है 16 को 25 से डिवाइड कटिंग हो जाएगी कहीं पर नहीं होगी तो दीज आर ऑल्सो को प्राइम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इनमें से किस किस की टर्मिनेटिंग है अब टर्मिनेटिंग कब कब होती है मैं आपको ये बताता हूं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तब होती है जब डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर सारे फैक्टर्स टू और फाइव ही आए मींस टू की पावर भी आ जाए फाइव की पावर आ जाए या दोनों अकेले अकेले आ जाए या सिर्फ टू टू ही आ जाए या सिर्फ फाइव फाइव ही आ जाए मतलब टू और फाइव ही आने चाहिए बस ये तो अकेला टू आ जाए चलेगा अकेला फाइव आए चलेगा, चलेगा ठीक है बट उनके अलावा कुछ और आ गया डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता है ठीक है पर सबसे पहले एक चीज चेक करनी कि इनके बीच कोई कटिंग ना हो अगर कटिंग है तो वो कर दो कैंसिलेशन कर दो पहले उसके बाद डिनोमिनेटर को चेक करो ठीक है तो मैं डिनोमिनेटर को चेक करता हूं तो इसमें कटिंग तो नहीं है तो डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्ट्रेशन सिर्फ फाइव भी आ रहा है यहां पर तो ये तो होगी टर्मिनेटिंग ठीक है इसमें थ्री भी आएगा है ना थ्री टू थ्री, थ्री थ्री आएगा तो इसमें तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है इसकी प्राइम फैक्ट्रेशन थ्री इंटू सेवन आ रहा है, है। टू और के इलावा कुछ आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो इसमें तो सिर्फ टू और फाइव एंड तो फोर्थ विल बी टर्मिनेटिंग सेकंड एंड थर्ड विल ऑप्शन इज कमिंग नाउ सो स्टूडेंट्स इट मेयर थर्टी और मोर क्वेश्चन सो ये बात है कि अगर हम इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे तो हमारा चैप्टर के एमसीक्यू क्लियर हो जाएंगे प्लीज आप ध्यान से सुनिए

3.27 बार बार का मतलब है 27 27 27 रिपीट हो ही जा रहा है यहां पे इज व्हाट तो देखिए जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो वो या तो टर्मिनेटिंग होती है मींस 2.27 है खत्म हो गया चलो टर्मिनेटिंग हो गया अगर 27 बार हो गया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं इसको तो जिसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग है मीन्स फिनिश हो जा रही है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है इसके जैसे तो वो तो होते हैं रैशनल नंबर और एक होते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग टर्मी नॉन रिपीटिंग है चली जाती है, चली जाती जाती है कभी फिनिश भी नहीं होती है और कभी रिपीट भी नहीं करती उनको इरेशनल नंबर बोलते हैं तो राधर ये तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना तो ये रैशनल नंबर है है ठीक नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट नंबर बाय रूट ट्वेंटी सेवन शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट टू गेट अ रैशनल नंबर अब रूट ट्वेंटी सेवन को कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये रैशनल नंबर बन जाए तो रूट ट्वेंटी सेवन को मैं ऐसे लिख सकता हूं थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री अब आपको स्क्वेयर रूट के अंदर है तो पेयर बनने चाहिए तो मुझे रूट थ्री और चाहिए यहां पर सो दैट इट विल बी बिकमिंग अ पेयर सो रूट थ्री आ गया ये ठीक है क्योंकि रूट के थ्री है ना तो रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रैशनल बन जाएगा क्यों क्योंकि देखो ये थ्री है तो बाहर आ गया ये थ्री नाइन है तो ये भी थ्री बाहर आ गया तो नाइन आंसर आ गया ठीक है रैशनल नंबर बन गया ना तो लीस्ट नंबर रूट थ्री है और वैसे भी आप रूट थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट एट्टी वन आएगा तो दैट इज आंसर इज नाइन रैशनल नंबर तो वो बन गया तो रूट थ्री इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बाय विच वन बाई थ्री शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर वन प्लेस ऑफ डेसिमल तो देखिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो एक प्लेस के बाद खत्म हो जाए ठीक है तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि डेसिमल एक्सपेंशन एक प्लेस के बाद खत्म कब होती है जब टू और फाइव की जो हाईएस्ट पावर है वो वन आए तो वन के बाद तभी खत्म होएगा तो यहां पे मुझे फाइव चाहिए पहली बात फाइव चाहिए ठीक है सॉरी इट इज फाइव सॉरी यहां पे मुझे टेन चाहिए टू फाइव जेन दोनों की वन वन पावर उठा ली और ये थ्री गायब कर दो ठीक है तो थ्री बाई टेन से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा वन बाई टेन दैट इज जीरो पॉइंट वन और वन डेसिमल प्लेस आ गई तो थ्री ओवर टेन इज द करेक्ट आंसर ठीक है सो द नेक्स्ट इज इफ एन इज अ नेचुरल नंबर हेयर एन इज़ नेचुरल नंबर एंड नाइन पावर टू एन माइनस फोर पावर टू एन इज़ ऑलवेज डबिजल बाय व्हाट तो इसको लिख लेते हैं पहले नाइन पावर टू एन माइनस फोर पावर टू एन एन कोई नेचुरल नंबर है तो चलो वन से स्टार्ट कर देते हैं हम इसको एन को कुछ भी भर देंगे देखते हैं क्या आंसर आता है वन भर दिया एन को तो टू वन जू टू वन जू टू तो एटी वन माइनस सिक्सटीन कितना होता है सिक्सटी फाइव ठीक है सिक्सटी फाइव आ गया अगला एक और चेक कर लेते हैं यहाँ टू भर देते हैं तो फोर आ जाएगा फोर आ जाएगा तो नाइन पावर फोर कितना होता है एट्टी वन इंटू वन है ना तो एट्टी वन ये आ गया और फोर टू फिफ्टी सिक्स आ जाए इन दोनों का माइनस कर दो ये ज़ीरो थ्री सिक्स तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों ही नंबर किससे डिवाइड हो जाते हैं चेक करते हैं यहां से क्या ऑप्शन है इनके पास फाइव थर्टीन बोथ फाइव एंड थर्टीन एंड नन तो दोनों ही फाइव और थर्टीन से डिवाइड हो जाते हैं चेक कर लो ये फाइव से भी हो जाएगा थर्टीन से भी हो जाएगा ये भी ठीक है तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है नेक्स्ट इज इफ एन इज एनी नेचुरल नंबर देन सिक्स पावर एन माइनस फाइव पावर एन ऑलवेज एंड विद वॉट देखिए सिक्स पावर एन और फाइव पावर एन अगर एन कोई नेचुरल नंबर है तो एन हम कोई अज्यूम कर लेते हैं चलो वन अज्यूम कर लिया एन को इट इज़ ऑलसो नेचुरल नंबर तो सिक्स पावर वन माइनस फाइव पावर वन सिक्स माइनस फाइव वन आ गया चलो टू अज्यूम कर लेते हैं इस बार देखते हैं आंसर एंड में वन ही आ रहा है क्या सब में थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी फाइव इलेवन मीन्स एंड में वन ही आ रहा है ठीक है तो ही सेइंग दैट ऑलवेज एंड विद वन आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स अगर आपको इसकी इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो ठीक है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी करें बिकॉज हम ऐसे ही एम सी क्यू टाइप क्वेश्चन लाते रहेंगे टिल योर नवंबर दिसंबर टर्म वन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलसीएम एंड एचसेफ ऑफ टू रैशनल नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर्स आर ऑलवेज इक्वल अरे जो दो नंबर इक्वल होते हैं ना उनका एलसीएम भी वही होता है जैसे फाइव और फाइव है तो उनका एलसीम भी फाइव होगा एच सी एफ भी फाइव होगा तो इफ़ एलसीम एंड ऑफ एलसीफ टीएम एंड एच सफ ऑफ टू रैशनल नंबर्स आर इक्वल देन नंबर्स मस्ट बी इक्वल ठीक है नेक्स्ट इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज दिस दो नंबर्स हैं जिनके एलसीएम और एच सी एफ का जो सम है वो ये है ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एंड देयर एलसीएम इज नाइन हंड्रेड मोर देन देयर एच सी एफ तो एलसीएम तो नाइन हंड्रेड ज्यादा मैं एच सी एफ को एक्स मान लूंगा तो एलसीएम बन जाएगा नाइन हंड्रेड प्लस एक्स देन वट इज द प्रोडक्ट ऑफ दैर टू नंबर्स तो हम ये फाइंड करते हैं चलिए सो so, यहां पर हम क्या करेंगे कि एच सी एफ को एक्स मान लेंगे एल्सियम तो बन जाएगा 900 ज्यादा इससे तो ये x plus 900 बन गया ठीक है और plus करेंगे तो 1260 है तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे ना एच सी एफ प्लस बोला है कि 1260 1260 आता है तो मैंने 1260 कर दिया तो 2x और ये 900 इस साइड चला गया तो बन गया माइनस नाइन तो 360 आ जाएगा सो तो x विल बी वन एट्टी अगर x 180 है तो एच बन गया 180 और एलसीयम बन जाएगा वन एट्टी प्लस 900, 1080 ठीक है जब इनका प्रोडक्ट करोगे तो आएंगे ठीक है 18 144, 14, 19. ये आंसर आ जाएगा आपका ठीक है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हेयर सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिमाइंडर वेन द स्क्र ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन थ्री इज डिवाइड बाई सिक्स जब हम किसी प्राइम नंबर uh, जो जो कि Uh, कितने से बड़ा है तीन से बड़ा कोई प्राइम नंबर है। फाइव है, मान लो उसके स्क्वायर को छ से डिवाइड करेंगे तो फाइव का स्क्वायर फोर्टी नाइन को सिक्स से डिवाइड तो कर करो ठीक है? वन आ रहा है तो वन ही आएगा रिमाइंडर ठीक है तो ऐसे आप सिंपल एग्जाम्पल इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो 26 नंबर क्वेश्चन इज कमिंग फॉर सम इंटीजर एम एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म तो सबको पता है कि इवन हो तो टू एम होता है और ऑड हो तो टू एम प्लस वन या टू क्यू प्लस वन होता है तो ये भी हो गया ये भी हो गया ठीक है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन माइनस वन इज डिविजिबल बाई एट इफ एन इज एन इंटीजर नेचुरल नंबर ऑड इंटीजर एंड इवन इंटीजर तो देखिए एन स्क्वेयर माइनस वन कब एट से डिवाइड होता है तो देखते हैं एट से कब डिवाइड होता है जब हम एन को ले लेते हैं सपोज करो एन को ले लिया थ्री थ्री ले लिया तो थ्री स्क्वेयर माइनस वन नाइन माइनस वन एट से डिवाइड हो गया फोर फोर लेंगे तो फोर स्क्वेयर माइनस वन फिफ्टीन आएगा नहीं होता फाइव ले लेंगे फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव माइनस वन येस हो रहा है फाइव स्क्वेयर माइनस वन तो पच्चीस माइनस वन ट्वेंटी फोर एट के टेबल में आता है ये ठीक है सिक्स से थर्टी सिक्स माइनस वन थर्टी फाइव नहीं आता है एट के टेबल में थर्टी थर्टी फाइव तो सेवन uh, से सेवन स्क्वेयर इज फोर्टी नाइन माइनस वन फोर्टी एट फोर्टी एट एट के में आता है बिल्कुल सही से अगर सेवन से करेंगे तब भी एट के में आएगा थ्री फाइव सेवन इट मींस ऑड आ रहे हैं और ऑड वट प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं ऑड इंटीजर भी बोल सकते हैं ऑड इंटीजर इज द करेक्ट आंसर है ठीक है सो ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन इज The decimal expansion of this rational number will terminate after how many decimal places? So, that you, I told you in the beginning only that 2 or 5 message highest power hai, that is the answer. So, 2 power 2, 2 is the highest power. So, after 2 decimal places, P e option is correct here. So, 30th question is, if 2 positive integers a and b are written as a is this, b is this, then what is their HCF? तो एक्सेप के लिए हम क्या करते हैं दोनों में कॉमन वेरिएबल देखते हैं तो एक्स वाई एक्स वाई दोनों में आ रहा है और उनकी मिनिमम पावर उठाते हैं तो एक्स की मिनिमम है एक्स पावर वन वाई की है सो so, आ जाएगा ठीक है और वैसे अगर एक्सेप निकालना हो तो ऐसे भी आप सोच सकते हो कि इन दोनों में कॉमन लेना हो तो क्या आएगा कॉमन तो ऑब्वियसली कॉमन आएगा एक्स वाई स्क्वेयर तो वो भी आपका एक्सेप ही होता है सो क्वेश्चन इज कमिंग नाउ एंड वी हैव जस्ट और ओनली सो थर्टी फर्स्ट इज द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर फ्रॉम वन टू टेन ऐसा नंबर जो वन से लेकर टेन तक सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है वो कौन है वो कौन होगा वो इनका एलसीम होगा तो एलसीम फाइंड आउट कर लो शायद एलसीम ये आएगा आप चेक कर लो भाई अपने आप वन से लेके टेन तक सबका एलसीम ये आना चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड सेवेंटी एंड वन ट्वेंटी फाइव लिविंग रिमाइंडर्स फाइव एंड एट रिस्पेक्टिवली ऐसा कौन सा नंबर है जिसके जिसके साथ इन दोनों को डिवाइड किया जाए अलग अलग करके जब उस नंबर से सेवनटी को डिवाइड किया तो पाँच रिमाइंडर आया और वन ट्वेंटी फाइव से डिवाइड वन ट्वेंटी फाइव को उस नंबर से डिवाइड करा तो एट रिमाइंडर आया तो वो कौन सा नंबर है ठीक है तो हम इन टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या करते हैं तो रिमाइंडर जो आएगा ना देखो 70 को देगा तभी रिमाइंडर आया तो 70 से पांच माइनस कर दो 65 को वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड कर देगा वी नो दैट अगर 125 को उस नंबर को डिवाइड करें तो एट रिमाइंडर आता है तो वो नंबर किसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा ट्वेंटी फाइव कर दो इज वन हंड्रेड सेवनटीन को अब हम इन दोनों का निकाल देंगे एच सी एफ पहले हम फाइव और एट इन दोनों में से माइनस करेंगे जो नंबर आएंगे उनका एच सी एफ निकाल देंगे ठीक है? 65, 65. अब ये सिक्सटी फाइव यहां पर आ जाएगा फिफ्टी टू वन झा फिफ्टी टू थर्टीन आ गया अब ये 52 यहां पर आ जाएगा थर्टीन फोरज फिफ्टी टू तो थर्टीन इज द एच सी एफ तो थर्टीन इज द आंसर ऑल्सो सो थर्टी थर्ड क्वेश्चन इज

तो एम इज इक्वल टू वन थर्टी ओवर सिक्सटी फाइव सिक्स वन जै सिक्स फाइव टू जै सो एम टू आ जाएगा बच्चों ठीक है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आई सपोज इज इज लास्ट क्वेश्चन लेट्स सी द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस तो इसमें पहले हम देखेंगे इन दोनों के बीच कोई कैंसिलेशन तो नहीं है अदरवाइज नहीं है तो so, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में देखते हैं टू और फाइव में से हाइएस्ट पावर क्या है दैट इज द आंसर सो इफ आई गिव यू दिस क्वेश्चन तो आप अपने आप करो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो और देखो कि टू और फाइव में हाईएस्ट पावर कितनी है दैट इज द आंसर ठीक है तो ये चैट बॉक्स में आपने इसका आंसर लिखना है और आप बताइए मुझे कि आपको और भी ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपके लिए और क्वेश्चन ले आऊंगा ठीक है और हर चैप्टर के लाऊंगा तो आपको ये चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा सो विद दिस आई एम फिनिशिंग माई वीडियो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू एंड बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम ओके जी